आइए सामने आ जाइए, पहले मुद्दे बन यहाँ के MLA अल्हास तनवीर शेख साहब भी, लेकिन हमें बाखदा ये सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत उन्होंने भी कर रहे हैं। आप लोगों को हर कॉर्पोरेट्स को भी बाखदा उन्होंने इत्तिला की गई है ताकि जो भी टीवी की बीमारी है बाखदा अपने अपने एरियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएँ। यह अल्हास तनवीर शेख साहब की भी एक बहुत बड़ी मेहनत है ताकि हमें बाखदा उन्होंने हर बार यही कहे हैं कि अपने अपने एरिए के अंदर बाखदा पूरों को मैसेज करना, पूरों को फैलाना और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, ये तनवीर शेख साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। इसके अंदर बहुत बड़ा उन्होंने हमें सबको नसीहत की गई है कि बाखदा जाओ, इनका साथ दो डॉक्टरों का, बाखदा एक भी यहाँ पर ना क्षेत्र के अंदर बीमारी नहीं होना है। उसी के सिलसिले से मैं आप लोगों को यही मैसेज दे रहा हूँ ताकि तनवीर शेख साहब भी बहुत यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ताकि इस बीमारी को खत्म करने के लिए सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। अपने जो MLA हैं हमारे सेठ जी, उनके बारे में बहुत सुना है और बहुत सपोर्ट मेरे को आ रहा है, मेरी उनसे मीटिंग भी शेड्यूल्ड है और डॉक्टर शिराज ने भी मुझे बताया, कॉर्पोरेट जी पंडू भाई जी ने भी बताया मुझे, और मैं पूरे सपोर्ट की उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। और मैंने जहाँ भी गया हूँ मैं पूरे मैसूर में, मेरे को सब ने अपने जो MLA हैं हमारे उनके बारे में बहुत तारीफ करके कहा है कि एक बार उनसे मुलाकात होगी तो हमें बहुत फायदा होगा। गुड मॉर्निंग सर, आज आप दिल्ली से खुसूसन टीपी डिजीज के अवेयरनेस के लिए आए हैं, सर आपका क्या मैसेज है? सर मेरा एक बहुत सिंपल सा मैसेज है आप सबको कि टीबी की जो डिजीज है ये बिल्कुल अब ऐसे हो गई जैसे खांसी जुकाम, इसका इलाज फ्री है, इसकी डायग्नोसिस फ्री है। डॉक्टर शिराज अहमद आपके साथ हैं, आपके कॉर्पोरेटर आपके साथ हैं, घर बैठे आपको दवा मिलती है, सरकार न्यूट्रिशन के लिए आपको 500 रुपए घर में बिठाए देती है, दवाइयां भी फ्री मिलती हैं, आपको सिर्फ इलाज करना है लगातार, आपको कोई काम पर जाने से नहीं रोकेगा। आप जब दवा लेना शुरू करते हैं तो ये बीमारी फैलना बंद हो जाती है, तो बहुत जरूरी है हम इस बीमारी को अब रोकें। और ये बिल्कुल जो इसके लक्षण हैं जैसा कोविड होता है वैसे ही है, पर हमें कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कोई दवाई का ढूंढने का जरूरत नहीं है, कोई WHO को अप्रूवल का हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अपने पास है, महंगी से महंगी दवाइयां भी अपने पास है और वो घर तक पहुंचाएंगे, है ना। तो हमें ये समाज में मैसेज पहुंचाना है कि चार चीजों को ध्यान रखना है। मैं अपने माध्यम से अगर ये मेरी चार चीजें मैं और डॉक्टर शिराज के माध्यम से और पांडू जी के माध्यम से आप तक पहुंच जाएं, अगर आपका बेवजह वजन घट रहा है या आपको रात को नींद में पसीने आते हैं, नाइट स्वेट, ठीक है, या आपको हल्का धीमा बुखार चल रहा है 15 दिन से ऊपर और आपको खांसी आती है, खांसी धीमा बुखार वजन गिरना बिना वजह के और रात को पसीने आना, कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ये चार अगर आपको लक्षण हैं तो आप अपने अपना इलाज कराएं, अपना बलगम का इलाज कराएं। अच्छा। और जो बलगम दें तो अंदर गहराई से बलगम निकालें, छाती से निकलना चाहिए। अच्छा। है ना, और वो टेस्ट कराएं, टीबी है कोई बात नहीं, जैसा जुकाम है खांसी है टीबी है। अच्छा, सर, वो एक माहौल था। इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, जैसा जुकाम है खांसी है ना। मेरे को किसी ने पूछा, रमन जी दो हफ्ते आप ऑफिस नहीं आया, वो कुछ नहीं यार टीबी हो गया था। अच्छा, ऐसा इजीली हाँ कुछ नहीं क्या बीमारी है, हवा में था मुझे हो गया, दवा खाया मैं ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात है सर, ना मुझे कोई काम पर जाने से रोक सकता, ठीक है, और जरूरत भी नहीं, दवाई खाना शुरू करेंगे दो हफ्ते में हम एक दूसरे को ट्रांसमिशन फैलाना बंद है ना, दवाई भी फ्री मिलता है। अच्छा, फिर निक्षय मित्रा है, जैसे हमारा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, हम बहुत लोगों को, मैंने पर्सनली 4 टीबी पेशेंट अपने जिले में मेरठ के अंदर वहां पे मैंने अडॉप्ट करके रखे, जहां मैं स्कूल में था, जहां मैं पढ़ा लिखा खेला, वहां के परिवार 4 मैंने अडॉप्ट करके रखे, उनको मैं राशन देते। अगर हम खुराक अच्छी खाएंगे तो कोई बीमारी नहीं लगेगा।
बेसिक बात है जी। अगर खुराक अच्छी खाएंगे कोई भी बीमारी नहीं लगेगा। सर आपका परिचय तो मेरा नाम रमन अरोरा है जी। मैं भारतीय नौसेना से कोमोडोर के रैंक पे, जो कि आर्मी में ब्रिगेडियर का रैंक होता है, उससे मैंने रिटायरमेंट लिया और सिर्फ इसलिए लिया कि मैं आप लोगों के बीच आके कुछ काम कर सकूं। सर आप मंजूर हैं या पहली बार हैं या? मैं डॉक्टर शिराज का प्रिय मित्र हूं और मैं यहां पे करीब 7-8 बार पहले आ चुका हूं। मैंने मैसूर को अडॉप्ट किया है। हम पूरे देश में मैसूर का नाम लेके बताना चाह रहे हैं कि जो बातें हम आपसे जिस तरह से कर रहे हैं, इस तरह करने से हम टीबी को पूरे देश से निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो हमने चूज किया है वो है मैसूर और शामराज नगर, और वो इसलिए कि डॉक्टर शिराज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज शांति नगर के जो एरिया में हम जो टीबी के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहने के लिए, अब मैसूर में जो हमारे साथ में है सिटी बोल को, अब एक एनजीओ है दिल्ली से, हमारे पास सिर्फ मैसूर टीबी फ्री करने के वास्ते हमारा हाथ जोड़े हुए हैं। तो इसलिए हम लोग भी साथ में इनका साथ मिलके हम लोग भी, जैसा हम लोग पहले कोविड में सब मिलकर सब एक प्लेटफॉर्म में आके सब लोग हम लोग कोविड को कैसे भगाए, ऐसे टीबी को भी हम लोग सब मिलकर एक एक जुड़ के करें तो हम लोग टीबी को भी ये खत्म कर सकते हैं। बोल को एक एक मिशन चला रहे हैं। ये टीबी एक नई बीमारी नहीं है, ये तो एक हजारों साल से है, लेकिन 140 साल में पहले टीबी आई कर को मालूम हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा अभी तक उसके केसेस अभी हम लोग की तरफ आ रहे हैं। अभी बहुत सारे इसके टीबी से बहुत हम भी हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हम लोग बहुत सीरियसनेस नहीं ले। खाली अभी हमारे हमारे कमरू रमन साहब अभी बताए थे कि 4 सिम्टम्स हैं उनको, सब हमें ध्यान करना है। अभी क्या है, हम लोग को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार है, नहीं तो हमारा वजन घट रहा है और भूख नहीं लग रही है, और कभी कभी रात में क्या होता है पसीना छूटता है। ये तब अगर हमारे पास कहते भी ऐसे असरात है, सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो पास की कौन सी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बलगम टेस्ट करना है। टीबी ऐसी बीमारी है जिसे तो भी आ गया तो वो कैसा करते, एक सामने कौन भी रहा तो उसे खांसे तो छींक है तो उसको जरासीम सामने रहते हैं, उसे लगने के चांसेस रहते हैं। और टीबी ऐसी बीमारी है, ये 100% क्योर होने की बीमारी है। ऐसे नहीं कि टीबी आ गए आदमी मर गया बोल को, लेकिन टीबी को बराबर इलाज कराए तो उसका ट्रीटमेंट है। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स खड़े हैं, और ऐसा कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम ने जैसे ये टीबी के बारे में स्कीम्स है, जैसे कि ये स्क्रीनिंग करना भी फ्री है, डायग्नोस करना भी फ्री है, और दवाई भी हमें मुफ्त में दे रहे हैं, घर बैठे दे रहे हैं दवाई। और ये स्कीम में हमें टीबी के स्कीम में पेशेंट को, जो पेशेंट रहता है उसे घर बैठे दवाई के साथ साथ उसे माहवारी एक उन्हें 6 महीने तक गोलियां खाया तो उस 6 महीने तक का भी उसे एक महीने महीने एक 500 रुपए उसके उसके खुराक के वास्ते, उसके एक न्यूट्रिशन के वास्ते करको वो भी गवर्नमेंट से ऐलान हो को है, और उसके डायरेक्ट उसे बैंक के खाते में जाती हुआ अकाउंट में। और हमारे पास ऐसे गोलियां ही, अभी पहले क्या था, टीबी आ गई तो उसे एक इधर 30 इंजेक्शन इधर 30 इंजेक्शन देना करको था, वैसे क्या भी नहीं है, अभी इंजेक्शन पूरा गोलियां दे रही सब, और गोलियां भी ऐसे गोलियां ही हमारे सैनिटोरियम में। और मैसूर में एक अच्छी बात है कि और सब समझते हैं कि टीबी है सो मेरे गरीबों को आते सो इसे, इसमें गरीबान जात पात क्या भी नहीं है, इसमें सौकरों को भी आते हैं, गरीबों को भी आते हैं टीबी। और टीबी कैसा को बोले तो महाराजा के, जो मैसूर के महाराजा है उनके भान को भी टीबी आया था, उनके नाम से अच्छे अब पीकेटिव सैनिटोरियम करके एक टीबी के जो हॉस्पिटल 100 साल पहले बना थे उनके नाम से हॉस्पिटल बने सो, और उन्हें वो टेम्पो अच्छे टीबी के बारे में उतना अवेयरनेस सब करे थे। फिर भी ऐसा मैसूर में हमने मैसूर में साल में हमने एक 4000 कैसा रिपोर्ट आ रही है, अब पूरे इंडिया में हमारे पास पूरे इंडिया में एक 27-25 लाख केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रही, और खास करके मैसूर में आपको 4-5 हजार साल में कैसा रिपोर्ट हो रही, और एक पेशेंट को हमें करेक्ट नहीं ट्रीटमेंट दिए तो उन्हें है सो एक 15 आदमी को फैलाता, उन्हें खांसी तो एक कहते 15 आदमी को फैलाता है। अब कोविड में देखे रही तुम्हें, रात में आदमी को कोविड आया, सांस की तकलीफ है, सुबह को मरगा को सुनते ही, लेकिन टीबी में वैसा नहीं है। टीबी आ गया उन्हें क्या कर, उन्हें
उन्हें तड़प को मर को घर में ऐसे एक साल तक बेड रिडन होता है, उन्हें बेड रिडन होकर खाली उन्हें पेशेंट कीचक में तकलीफ में होता, सो साथ में उसके साथ में कितने रहते हैं खराब वाले पूरे उनको तकलीफ हुआ, ना तो उन्हें काम को जा सकते हैं ना तो ये जा सकते हैं, वैसा बेड रिडन हो जाकर उनको पूरी फैमिली को तकलीफ हुआ, फैमिली पूरे ऐसे सफर करना एक पेशेंट आया तो उसके वास्ते हमें ये टीबी को रोकने के वास्ते हमारा हाथ में है। क्या हाथ में है बोले तो अभी टीबी में बोले हमें खाली है सो टीबी खाली फेफड़े को खिचकने में टीबी है सो हमारे बाल को और नाखून को छोड़ को जिसम का कोसा भी पुर्जा भी टीबी को अफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि खाली हमें सांस की तकलीफ आए तो टीबी आ गया को यहाँ के जरा आदमी को कहते हैं जरा गांठे आती है देख करेंगे तुम्हें गले में गांठे आती है पेट में गांठे आती है और साथ में ऐसे एक जने को हड्डियों की टीबी आती है हमें मामूली है सो वही का दर्द करके मेडिकल स्टोर में जाती है एक वही के गुलर लल्ले आ जाती है हमें लेकिन वो जाकर देखे तो कंबर की टीबी रहती है नहीं तो हड्डा की टीबी रहती है वो करेक्ट हमें गोला नहीं खाए तो बाद में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टीबी करके हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड टीबी करके बोले तभी दो साल तक गोलियां खाना पड़ता है। ये जो छह महीने का गोलियां खाना का है हमें दो साल के गोलियां खाना पड़ता है और गवर्नमेंट से दो साल के गोलियां को भी हमारा इंतजाम है और गोलियां भी ऐसे ही गोलियां गवर्नमेंट में हमारे पास है। जो पहले पहले इंजेक्शन देते थे और इंजेक्शन सब जाकर अब गोलियां को कन्वर्ट करे वो गोलियां भी खाली छह महीने के गोलियां को गवर्नमेंट से 3 लाख रुपए होता है एक पेशेंट को 3 लाख रुपए होता है। अच्छा बड़ा सौकर आदमी भी 3 लाख रुपए कौन भी खर्चा नहीं करता गोलियां के वास्ते। हमें गरीब पेशेंट है वो घर बैठे हमें दे रही है हमें खाली हमें इतना चाह रही कि मुफ्त में दे रही मुफ्त में और घर बैठे उनको उन्होंने आने का एक्स्ट्रा दे रहे हैं 500 रुपए मैंने बैंक में जी 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 वो अलग वो सरकार का बढ़िया कॉर्पोरेट सभा जी आपके अपने इलाके में दिल्ली से मेहमान आए हैं सिर्फ और सिर्फ ये फिक्र लेकर के लोगों में जो खौफ है टीबी को लेकर वो उन्होंने साफ कर दिया है कि इसको लेकर टीबी को लेकर किसी तरह की खौफ की जरूरत नहीं बल्कि हुकूमत से जो मिलने वाली स्कीम है उसके बारे में भी आज खुलासा हो गया है। सर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए आपके सामने जो भी हमारे दिल्ली से आए हुए मेहमान आपके सामने तफसील से बताया गया है और हमारे शिराज साहब भी बाखदा उन्होंने भी तफसील से बताया गया है। अगर इन बातों को आप लोग अगर से अमल कर इसका ज्यादा से ज्यादा अगर से फायदा उठाएंगे और एक दूसरे को बताएंगे तो इस बीमारी जो टीबी की बीमारी है कहीं भी नहीं रहे। बाखदा आपके सामने पूरे तफसील से पूरे बातें सब आ गए हैं ताकि किस तरह का इलाज ऐसा मेटल्स बनाया गया हुआ है। बाखदा अगर टीबी की बीमारी है तो 6 महीने से जड़ से उखाड़कर बिरका देंगे। बाखदा अगर इन बातों को ले लेकर जाकर अपने पड़ोस के अंदर अपने आजू बाजू के अंदर अपने बाखदा इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों में पूरे मोहल्ले के अंदर आप लोगों को बात फैलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे हॉस्टल में हमारे डॉक्टर जावेद साहब 10 बजे से 4:30-5 बजे तक वहां पर रहेंगे। बाखदा वहां पर आपका इलाज वहां पर कंटिन्यू चलता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा मैं यही शांतिनगर के लोगों को सारे मैसूर के नार के क्षेत्रों को यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं और इस बीमारी को जल्द से जल्द भगाने की कोशिश करें। और चिकना मातालगो संदेश बहना चना की तो प्लीज मनसरी चप्पड़े उड़ी आगे ये कार्यक्रम के आगे से ये कार्यक्रम में बड़ा हिंदी नहीं था तुम्बा वन वर्ष दिन सपोर्ट पड़ रहे थे कंता ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಮಡಾರ್ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾರೈಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ರುವಾರಿಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶಾಂತಿನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಶಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತಮ್ಮ ಜಾಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದಾನಿಶ್ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೋರ್ವ
हित चिंतकरू कार्यक्रम बेंबलिगर श्रीयुत सरदार सह नानूर्वक धन्यवाद शिरा चामस्टर कल धन्यवाद अर्पस्ते हैं।